दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं कैसियो के दो बहुत ही फेमस कीबोर्ड मॉडल्स का, कैसियो CTS 400 और कैसियो CTX 870 IN का। ये दोनों ही कीबोर्ड बहुत ज्यादा फीचर फंक्शंस के साथ आते हैं और इनमें बहुत ढेर सारी सिमिलैरिटीज होती हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। CTS 400 कैसियो टोन सीरीज का कीबोर्ड है, लेकिन कैसियो टोन के जो CTS 100, 200, 300 बेसिक मॉडल्स हैं उनसे काफी अलग है। उन तीनों कीबोर्ड में क्या सिमिलैरिटीज हैं? सब में ग्रैब हैंडल पकड़ के लटकाने वाला आता है, लेकिन इस CTS 100 में नहीं आता है। तो थोड़ा सा कैसियो टोन की सीरीज से वो अलग दिखता है, लेकिन होता उसी का है। और CTX 870 IN मेरे पास है, देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ, मैंने 2 साल पहले इसको परचेज किया था। और अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो इसके बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा इन डेप्थ, इसके फंक्शन फीचर्स को कैसे यूज करना है, इसमें जितनी कीज होती है उनका क्या काम है, आपको बहुत कुछ पता होगा इस कीबोर्ड के बारे में। मैं इस कीबोर्ड को यूज कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कीबोर्ड है, मजेदार है भाई। लेकिन इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ दोनों कीबोर्ड का, क्योंकि इन दोनों कीबोर्ड के फीचर फंक्शन में इतना ज्यादा सिमिलैरिटी है, लेकिन प्राइस में काफी डिफरेंस है। जैसे CTX 870 IN इसमें आपको 13 से 13.5 हजार या 14 हजार के अंदर ही मिल जाएगा, वहीं पे CTX 400 आपको लगभग 16.5 हजार के आसपास मिलेगा। तो प्राइस में 3 से 3.5 हजार का डिफरेंस है। तो आइए एक एक करके इन दोनों के फीचर फंक्शंस को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि असल में क्या अंतर है दोनों कीबोर्ड में, अगर कोई लेना चाहता है तो दोनों में से कौन सा बेहतर होगा उसके लिए। प्राइस तो मैंने आपको बता दिया दोनों कीबोर्ड का। अब जब आप दोनों कीबोर्ड को पहली बार देखेंगे तो डिजाइन दोनों कीबोर्ड की काफी अट्रैक्टिव है। आप CTX 870 IN को देखेंगे तो उसमें आपको बहुत ढेर सारी बटन मिल जाएंगी कंसोल पैनल पे, वहीं पे CTX 400 में आपको बटन्स मिलेंगी लेकिन कम मिलेंगी। दोनों कीबोर्ड का वजन लगभग सेम होता है, 4.4 kg के आसपास होता है। दोनों कीबोर्ड 61 कीज के साथ 48 मैक्सिमम पॉलीफोनीज के साथ आते हैं। दोनों कीबोर्ड में आपको मैक्सिमम 600 डिफरेंट टोन्स मिल जाते हैं, जिसमें अच्छा खासा इंडियन टोन्स का भी कलेक्शन होता है। दोनों कीबोर्ड में आपको 160 सॉन्ग बैंक्स में सॉन्ग मिल जाते हैं। रिदम में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, 5 रिदम का डिफरेंस आ जाता है। 870 IN में 195 रिदम मिलता है, CTS 400 में 200 रिदम मिल जाता है। तो ये बहुत ही मामूली डिफरेंस है। 10,000 के ऊपर कीबोर्ड में जो जो होना चाहिए वो सब कुछ इन दोनों कीबोर्ड में आपको मिल जाएगा। जैसे दोनों कीबोर्ड टच रेस्पॉन्सिव होते हैं, दोनों में आपको टच सेंसिटिविटी मिल जाती है 3 लेवल की। दोनों में आपको रजिस्ट्रेशन मेमोरी, रजिस्ट्रेशन बैंक मिल जाता है, जिसमें आप अपने पर्टिकुलर टोन्स को, रिदम्स को रजिस्टर करके रख सकते हैं। कहीं आप स्टेज पे या किसी जगह परफॉर्म कर रहे हैं तो जल्दी से एक बटन दबाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। दोनों में आपको पिच बेंडर व्हील मिल जाता है सेमी टोन्स को चेंज करने के लिए। दोनों में आपको USB का सपोर्ट मिल जाता है। दोनों कीबोर्ड में आप पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों कीबोर्ड में आप सस्टेन पेडल लगा सकते हैं। दोनों कीबोर्ड में आप हेडफोन इजिली लगा सकते हैं फोन आउटपुट वाले सेक्शन में। कनेक्टिविटी के मामले में CTS 400 में एक चीज एक्स्ट्रा आ जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसको आप CTS 400 में कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्लूटूथ कंपेटिबल है, CTX 870 IN नहीं है। तो ये एक मेजर डिफरेंस, या आपको बाहर से कुल मिला कि यही एक ही डिफरेंस मिलेगा दोनों कीबोर्ड में, वही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला। दोनों कीबोर्ड में आपको वन टच प्रीसेट मिल जाता है, लेसन के ढेर सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, ऑटो अकॉम्पेनमेंट मिल जाता है, कॉर्ड मोड मिल जाते हैं दोनों कीबोर्ड में। दोनों कीबोर्ड में आपको लेयर और स्प्लिट का अलग अलग फंक्शन मिल जाता है। लेयर करके आप दो अलग अलग टोन को मिक्स करके एक नया टोन बना सकते हैं। स्प्लिट का यूज करके आप कीबोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी लेफ्ट से आप कोई और टोन बजाएं, राइट से कोई और टोन बजाएं। ये फंक्शन आपको दोनों कीबोर्ड में मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना, सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है। लगभग जो चीजें चाहिए होती हैं एक अच्छे कीबोर्ड में, सब कुछ आपको दोनों कीबोर्ड में मिल रहा है। अब CTS 400 में आप देखेंगे जो डिस्प्ले होता है उसी के जस्ट बगल में गोल सी रोटेटिंग बटन होती है, आप उसको रोटेट करके टोन्स को, रिदम्स को जल्दी जल्दी चेंज कर सकते हैं। वही काम CTX 870 IN में करने के लिए आपको प्लस माइनस वाली बटन दबानी पड़ेगी। काम दोनों करते हैं, बस दोनों का फंक्शनैलिटी अलग अलग है। उसमें रोटेट होता है, इसमें आपको प्लस माइनस दबाना पड़ेगा। दोनों कीबोर्ड में आपको वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए एक रोटेटिंग बटन मिल जाती है बड़ी मस्त सी। दोनों कीबोर्ड को आप बिजली और बैटरी दोनों से चला सकते हैं, 6AA साइज की बैटरी से दोनों कीबोर्ड ऑपरेट हो जाएंगे। दोनों कीबोर्ड LCD बैकलिट डिस्प्ले के साथ आते हैं, दोनों में लाइट भी जलता है। दोनों कीबोर्ड में आपको कीज की साइज और पैटर्न डिजाइन सब कुछ सेम मिल जाता है। दोनों कीबोर्ड में आपको मेट्रोनोम बीट का ऑप्शन मिल जाएगा, ट्रांसपोज फंक्शन मिल जाएगा, रिवर फंक्शन मिल जाएगा। दोनों कीबोर्ड में आपको अच्छे अच्छे कैसियो के ऐप के सपोर्ट मिल जाएंगे, आप ऐप्स को इजिली कनेक्ट करके चला सकते हैं, अपने कीबोर्ड को ऑपरेट कर सकते हैं। कैसियो म्यूजिक स्पेस दोनों कीबोर्ड सपोर्ट करते हैं। अब देखिए दोनों कीबोर्ड में जो बहुत बड़ा अंतर होता है ना, वो इसके कंसोल पैनल में होता है। कीबोर्ड CTX 870 IN में जितने फंक्शंस मैंने आपको बताए, इनमें से ज्यादातर फंक्शन के लिए आपको पर्टिकुलर बटन मिल जाएगी। जैसे लेयर स्प्लिट के लिए आपको बटन मिल जाएगी, कॉर्ड्स के लिए कॉर्ड मोड की अलग बटन मिल जाएगी। हाँ, एक चीज और, दोनों कीबोर्ड में इंटरनल
रिकॉर्डिंग भी होती है। आपको कीबोर्ड में एक बटन मिल जाएगी जिससे आप कुछ भी बजा के रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर उसको प्लेबैक करके सुन सकते हैं। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको दोनों कीबोर्ड में मिलता है। एक रिकॉर्डिंग होता है जो आप किसी ऐप के थ्रू या ऑडियो इंटरफेस लगा के कंप्यूटर का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड करते हैं, वो अलग चीज हो गया। इन कीबोर्ड्स में आपको एक बटन मिल जाती है जिससे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं जो भी बजा रहे हैं। अगर आपको ये फीचर देखना हो हाउ टू रिकॉर्ड, तो आप मेरे इसी चैनल पे सर्च करेंगे हाउ टू रिकॉर्ड कैसी CTX 870 IN, तो उसमें आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी, इंटरनल रिकॉर्डिंग पे भी मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, आप एक साथ में मल्टीपल ट्रैक्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये फीचर आपको दोनों कीबोर्ड में मिल जाता है। तो मैं बता रहा था कि आपको हर एक अलग अलग फंक्शन फीचर के लिए CTX 870 IN में पर्टिकुलर बटन मिल जाएगी। जैसे एक फंक्शन की बटन इसमें भी होती है, उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको बहुत ढेर सारे फंक्शन मिलेंगे, लेकिन जो मेन चीजें हैं वो आपको बटन पे मिल जाएगी। वही CTX 400 में उन सारी चीजों के लिए आपको पर्टिकुलर अलग से बटन नहीं मिलती है। जैसे अपना स्मार्टफोन होता है टच वाला, वो जैसे काम करता है उसमें अलग अलग फीचर फंक्शन नीचे से हम लोग ऑपरेट करते रहते हैं, उसमें कोई बटन वटन नहीं होता है, डिस्प्ले पे ही सब आता रहता है, हम लोग उसी से देख देख ऑपरेट कर लेते हैं। वैसे ही CTX 400 में ज्यादातर फंक्शन जब आप इनेबल करेंगे तो आपको डिस्प्ले पे उनकी सारी सेटिंग्स दिखेंगी और डिस्प्ले के नीचे आपको 4 बटन मिल जाएगा, उसी से आप उन फंक्शंस को ऑपरेट कर सकते हैं। यानी आपको ज्यादातर चीजों को चलाने के लिए सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ेगा, फंक्शंस के अंदर जाना पड़ेगा, डायरेक्ट बटन तुरंत नहीं मिल जाएगी। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों कीबोर्ड में। बाकी आपको समझ में आ रहा होगा कि ज्यादातर चीजें तो सिमिलर ही हैं। तो अगर कोई बिगनर है, कोई बहुत ज्यादा कीबोर्ड के स्पेसिफिकेशंस के बारे में नहीं जानता, बहुत उलझना नहीं चाहता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज चाहिए उसको, तो CTX 870 IN बेस्ट है। 3500 सस्ता भी है, आप इसको भी लेंगे तो आपको एकदम अच्छा लगेगा, सब कुछ आपकी सारी जरूरतें पूरी होंगी। लेकिन डिजाइन वाइज किसी को CTX 400 भी अच्छा लग सकता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बहुत कुछ बताया दोनों कीबोर्ड के बारे में। आपको इन दोनों में से कौन सा कीबोर्ड अच्छा लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी आप 870 IN से रिलेटेड जो भी जानना चाहते कमेंट करके बताइए, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा।